वो रहमतों के समंदर में डूब जाते हैं। नबी की याद में जो नात गुने नबी किया तिम जो ना ते गुन गुनाते है कि नहीं। अब एक शेर अगर आप इजाजत दे तो मैं पढ़ दूं, दाग दूं। एकदम नौजवान शायर, कहा यह जाता है कि जब वो माइक पे आता है तो सुनने वाले लोग ये फैसला नहीं कर पाते कि ये शाहिद गौहर है या शाहिद गौहर की कॉपी है। तो अब यहां देखना है, हमारे दयार में पहली मर्तबा आए हैं ये मधुबनी की सरजमी पे, और वो भी घर मोहना में हाफिज मुस्तकीम साहब की दावत पे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप अच्छे अंदाज में सुनेंगे। एक शेर सुने मेरे दोस्तों, कि गर लिखा है किस्मत में दर बदर भटकना ही। शेर सुनिएगा, कसम खुदा की 1 करोड़ का शेर है ये। शेर मुजाहिद हसनैन हबीबी का नहीं है, कसम खुदा की यकीन फैजाबादी ने शेर को कहा। अगर मैं इस वक्त मैं नीतीश कुमार की जगह पे मैं होता, यानी बिहार का मुख्यमंत्री होता, तो यकीन जानिए कि ये कुर्सी मैं 4 मिसरे में उन्हें दे देता। अब शेर समाप्त कीजिए, शेर में कितना दम है। अगर आपके अंदर ईमानी जज्बा है और इश्ते रसूल की थोड़ी सी भी चिंगारी है तो इस शेर को सुनने के बाद इंशाल्लाह वो शोले में तब्दील होगा। हमारे राजपुर से हमारे अच्छे दोस्त अच्छे मित्र अली जनाब आरिफ साहब माशाल्लाह जो समिति के उम्मीदवार है, उम्मीद है अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आरिफ भाई यहाँ से शेर अच्छा लगे तो कुछ देकर नवाज कर आप बताइएगा कि शेर सुनकर कुछ दिया भी जाता है, यहाँ के लोग शायद भूल चुके हैं। तो इस रिवायत को आप जिंदा कर दीजिएगा ताकि शायरों का जो फील्ड है वो हमवार हो जाए। देखिए हजरात, के गर लिखा है किस्मत में दर बदर भटकना ही, ऐ खुदा मैं राजी हूं हां मगर मदीने में। मेरी जान बोल दो लह के सुभान अल्लाह। अगर आपने नहीं बोला मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं माइक लेके कूद भी सकता हूं, और कूद गया तो एक आध आदमी को डेढ़ टांग का बना भी सकता हूं, है कि नहीं। तो थोड़ा सा बोले, ऐ खुदा मैं राजी हूं हां मगर मदीने में। मक्ते का शेर सुनिएगा, ये सुनाना चाह रहा था इसलिए मैंने कहा कि गर लिखा है किस्मत में दर बदर भटकना ही, ऐ खुदा मैं राजी हूं हां मगर मदीने में। जो मेरी गरीबी से ऐ यकीन वाकिफ थे, जो मेरी गरीबी से आए यकीन वाकिफ थे, अरे दंग रह गए मुझको देखकर मदीने में। जो मेरी गरीबी से आए यकीन वाकिफ थे, दंग रह गए मुझको देखकर मदीने में। अरे बाप रे, इसको तो कुछो नहीं था, मदीने में कैसे आ गया, है कि नहीं मेरे दोस्तों। ताबिश रेहान साहब एक शेर पढ़ते हैं जिसका मफहूम है ये कि मेरे दोस्तों अक्सर मैंने कहते देखा है कि मालो दौलत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कई करोड़पति लोगों को देखा है जिसको हज तो छोड़िए उमरा नसीब नहीं हुआ है। मैंने मस्जिद के मुअज्जिन को देखा है कि 4 मरतबा हज कर लिया है, पता ये चला कि पैसे से इसका ताल्लुक नहीं है, दिल से इनका ताल्लुक है। वो जब चाहते हैं बुला देते हैं मदीने पाक के अंदर, है कि नहीं। अल्लाह ताला हम सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। आइए इन तमाम मनाजिर को मद्देनजर रखते हुए एक खूबसूरत लहजे को आपके हवाले कर रहा हूं, और बड़े अदब के साथ मैं अली जनाब आदिल हेरा मौवी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत अंदाज में अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। माइक पर आदिल हेरा। डाइस में तशरीफ़ फरमाओ, उलमाए किराम, शोराए किराम, मौज़े सामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आइए मैं 4 मिसरे से अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। बड़ी अच्छी निज़ामत कर रहे मोहतरम मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समाप्त करें थोड़ा सा, इको इसको बढ़ा दें, इको। हेलो, क्या बात, इनको सोला दी, समाप्त करें। अगर अच्छा लगे आप हजरात सुभान अल्लाह माशाल्लाह की सदाएं बुलंद कीजिए। कि मैं कागजे मैं बख्श से कि अपने दुआ लिख रहा हूँ, मैं बख्श से कि अपने दुआ लिख रहा हूँ,
हम नाते हबीबे खुदा लिख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बख्शिश के अपने दुआ लिख रहा हूँ। मैं नाते हबीबे खुदा लिख रहा हूँ। मैं बख्शिश के अपने दुआ लिख रहा हूँ। मैं नाते हबीबे खुदा लिख रहा हूँ। फरिश्तों की नजरें है कागज कलम पर। फरिश्तों की नजरें है कागज कलम पर। मैं कागज पे सल्ले अला लिख रहा हूँ। नारे अला लिख रहा हूँ। तकबीर। उलमाए किराम, सरजमीने घर मोहना, बाबा जनाबे आदिल हेरा मौवी, बहुत बहुत जिंदाबाद। मैं बख्शिश के अपने दुआ लिख रहा हूँ। नाते हबीबे खुदा लिख रहा हूँ। फरिश्तों की नजरें है कागज कलम पे। फरिश्तों की नजरें है कागज कलम पे। मैं कागज पे सल्ले अला लिख रहा हूँ। मैं कागज पे सल्ले अला लिख रहा हूँ। मैं नाते हबीबे खुदा लिख रहा हूँ। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं यहाँ से एक नाते पाक। ऑपरेटर साहब, आपका माइक यकीनन बहुत लाजवाब है, कोई कमी नहीं है माशाल्लाह। लेकिन जो आवाज उस माइक में है वही आवाज इसमें दे दीजिए। आवाज लाजवाब है माशाल्लाह। बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला और दो शेर समाप्त करें, अच्छा लग रहा है। एक बार पूरा मजमा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। कि वो रहमतों के समंदर में डूब जाते हैं। अगर शेर अच्छा लगे अपनी दुआ से नवाजिएगा। डूब जाते हैं वो रहमतों के समंदर में डूब जाते हैं। वो रहमतों के समंदर में डूब जाते हैं। नबी की याद में जो नाते गुने नबी की याद में जो नाते गुने गुनाते हैं। और यदि शेर पेश करता हूँ इन्हीं मोहब्बतों के साथ समाप्त करें बड़े भाई ताबिश शेहान साहब और शमशेर जहाना गंजी मुदस्सिर कमाल साहब की शिरकत चाहता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास समाप्त करें। वो रहमतों के समंदर में डूब जाते हैं। वो रहमतों के समंदर में डूब नबी की याद में जो नाते गुने गुनाते हैं। और किया कमर को टुकड़े मेरे नबी ने तो। किया कमर को टुकड़े मेरे नबी ने तो। इशारे से खुर्शीद को बुलाते हैं। वाह 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 वाह। ये है कन्वीनर मुशायरा हाफिज मुस्तकीम, जिंदाबाद। वो रहमतों के समंदर में डूब जाते हैं। किया कमर को टुकड़े मेरे नबी ने तो। कभी
कभी सारे से खुर्शीद को बुलाते हैं। मैं कौमी यकजहती के हवाले से एक नज्म पेश करना चाहता हूँ, पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें। नज्म का उन्वान है हम भी हैं भारती। क्या बात है, हम भी हैं भारती। आजकल हर जगह जगह पे हमें कहा जा रहा है कि हम भारत के नहीं हैं, पाकिस्तान जाओ तुम लोग। इसी को अपने जहन में रखें और ये नज्म समाप्त करें, मुजाहिद हसन हबीबी साहब की निजामत में समाप्त करें। अगर अच्छा लगे तो आप हजरात अपनी दालत नवाजिएगा। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें कि हम मुसलमान, हम मुसलमान, हम मुसलमान बाहर से आए नहीं, हम मुसलमान बाहर से आए नहीं, हम भी हैं भारती हम पराए नहीं, हम मुसलमान बाहर से आए नहीं, हम भी हैं भारती हम पराए नहीं। बंद पेश करता हूँ उलमा हजरात तशरीफ फरमाए, सभी की दुआएं चाहता हूँ बतौर खास कि कल भी कहते थे हमें अब भी कहते हैं हमें, कल भी कहते थे हमें अब भी कहते हैं हमें, मुल्क भारत में सदियों से रहते हैं हमें, मुल्क भारत में सदियों से रहते हैं हमें, हमसे क्यों मांगते हो सबूत वतन, हमसे क्यों मांगते हो सबूत वतन, जब इसी मुल्क भारत में जन्मे है हमें, हम किसी के बुलाने से आए नहीं, हम भी हैं भारती हम बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम। 100 साल मुशायरा आप रूहे मुशायरा ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। क्या बात है भाई, जियो 100 साल। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बस में नहीं, नहीं तो कयामत तक कह देता जी। अरे वाह वाह वाह, आप हजरात समाप्त करें, आप लोग को अच्छा लग रहा है ना, एक बार मचल के बोल दे बाद में पूरा सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, समाप्त करें, ऐसे ही जिंदा दिली का सबूत दें आप हजरात। कि हम भी हैं भारती हम पराए नहीं, हम गए मैगे मोदोई में दादो नानो ते, हम गए मैगे मोदोई में दादो नानो तवी, हम हुसैन बगी जो हर वो शौकत अली, हम गए जो हम गए मैगे मोदोई में दादो नानो तवी, हम हुसैन बगी हमें हुसैन हमेगी जो हरे वो शौकत अली, फजल हक हमेगी आजाद अहमद अली, खौफ दुश्मन से हमें को डराते हो क्यों, जंग जब जब हुई हमने सर पेश की, खौफ दुश्मन से हमें डगमगाए लगे, खौफ दुश्मन से हमें डगमगाए लगे, हम भी रीति हम पराए लगे, हम भी रीति हम सलाम। अच्छा पढ़ रहे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको न सताओ के गुनहगार नहीं हैं, हाय हाय मेरी जान, बोल दो इस शेर पे कम से कम। क्या गीत पढ़ के गए, क्या हुब्बुल वतनी के हवाले से है कि नहीं, तो थोड़ा सा। हमको न सताओ के गुनहगार नहीं हैं, ये किसने कहा तुमसे के वफादार नहीं हैं, जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फखरे वतन है कोई गद्दार नहीं है, जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फखरे वतन है कोई गद्दार नहीं है। और हमारे आदरणीय
आली जनाब मोहतरम मकाम जनाब नरेंद्र मोदी जी फरमाया करते हैं, जब जब इलेक्शन आता है तो कहते हैं इनको सरहदों के पार भेज दिया जाए, ये टोपी दाढ़ी वालों को। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारे शायर दोस्त ने कहा कि सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें ना कर। सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें ना कर। हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। सरहदों पर भेद, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। मेरे दोस्तों, जब इस तरह का वक्त आता है, हिंदुस्तान को जब जब भी लहू की जरूरत पड़ी है, तो इस मुस्लिम कौम ने सिर्फ खूनी नहीं बल्कि नजराने में भी अपने सर को भी पेश किया है। और वक्त पड़ेगा तो इंशाल्लाह ये मुसलमान सबसे अगली फेरिस्त में और अगली सफों में नजर आएंगे इंशाल्लाह। ये मेरे अकाबिर ने, ये हमारा मजहब इस्लाम हमें सिखाता है।